रिमोट सेंसर्स कई वर्षों से हमारे साथ है। वे हमारी पांच इंद्रियों की क्षमताओं का विस्तार करते हैं, जिससे हम ऐसी जानकारी को माप सकते हैं जिसे हम पांच इंद्रियों के साथ नहीं जान सकते। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के सभी संभावित श्रेणी के तरंग दैर्ध्य हैं। प्रत्येक वस्तु के पास तरंग दैर्ध्य के अपने विशेष हस्ताक्षर होते हैं, जिन्हें प्रतिध्वनि कहा जाता है, क्योंकि वह वस्तु एक विशेष तरीके से प्रतिबिंबित, प्रसारित और अवशोषित उन आवृत्तियों को दर्शाती है। रिमोट सेंसर्स के साथ हम इस अदृश्य विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को मापने में सक्षम हैं, जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य में अलग अलग मात्रा में मौजूद है। रिमोट सेंसिंग का अर्थ है दूर से मापकर जानकारी प्राप्त करना। हम कई अलग अलग सेंसर्स का उपयोग करते हैं, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ सेंसर्स हरा तरंग दैर्ध्य प्राप्त करने के लिए रूपांकन किए गए हैं, जबकि अन्य अवरक्त तरंग दैर्ध्य प्राप्त करते हैं। सभी रिमोट सेंसर्स दो प्रमुख समूहों में से एक हैं। पैसिव सेंसर, जो पहले से मौजूद विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का पता लगाते हैं, और सक्रिय सेंसर, जो अपनी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और इसके परावर्तन को मापते हैं। दरअसल आपका शरीर चार पैसिव रिमोट सेंसर से लैस है। आपकी आंखें सूर्य द्वारा उत्सर्जित परावर्तित विद्युत चुंबकीय प्रकाश को देखती है। आपके कान, जो हवा में ध्वनिक तरंगे हैं उन ध्वनि को सुनते हैं। आपकी नाक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गंध को सूंघती है। और स्पर्श के साथ हम एक तितली की उड़ान या सूरज की गर्मी महसूस कर सकते हैं। हमारे पास एक और भी सक्रिय रिमोट सेंसर है, आवाज। इसके गूंज को सुनकर आप उस वस्तु से दूरी के बारे में जानकारी पा सकते हैं, जो इसे परावर्तित करती है। पैसिव सेंसर्स और सक्रिय सेंसर्स के बीच के अंतर को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप फ्लैश वाले कैमरे के बारे में सोच सकते हैं। कैमरा एक सक्रिय सेंसर तभी होगा जब फोटोग्राफर अंधेरे में फ्लैश का उपयोग करेगा, क्योंकि यह अपने लक्ष्य को रोशन करता है और कैमरे पर वापस परावर्तित प्रकाश को मापता है। दूसरी ओर, कैमरा एक पैसिव सेंसर तभी होगा जब फोटोग्राफर फ्लैश का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि कैमरा छवि को कैप्चर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत नहीं प्रदान कर पाता है। इस मामले में ऊर्जा एक बाहरी उत्सर्जक जैसे सूर्य या कमरे में रोशनी से आती है।